है ओम है से मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रोफेसर ए के चौबे आप सभी मित्रों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ मित्रों नमस्कार मित्रों उपस्थित हूँ मैं आपसे फिर एक विशेष चर्चा करने के लिए देखिए आज मैं एक विशेष चर्चा कर रहा हूँ जो कि एक राशि के लिए तौर से जो मैंने देखा पाया अभी सिंह राशि के लिए विशेष स्पेशल देखिए सिंह राशि के लिए स्पेशल मैं चर्चा करने वाला हूँ मार्च महीने में सिंह राशि को दो हिस्सों में बांट सकते हैं हम एक तो करीब 12 मार्च 13 मार्च तक पहली मार्च से लेकर और जब तक मंगल अपना शिफ्ट करेंगे तेरह मार्च तक और दूसरा पंद्रह सोलह मार्च से जब सूर्य और बुद्ध भी शिफ्ट हो जाएंगे तो दो हिस्सों में हम कुंडली बांट सकते हैं लेकिन उससे पूर्व हम ये बताएं सिंह राशि का मतलब क्या है सिंह के समान जैसे सिंह जो है सब अपने सिंह का साम्राज्य रहता है पूरे वन में जंगल में और सिंह राजा है उसी तरह से ही सिंह राशि वाले सिंह के समान ही हैं वो राजा ही हैं या तो राजा बनते हैं या राजा जैसा काम करते हैं और नहीं भी पर राजा बनते तो अपने को राजा जैसा ही समझते हैं तो सिंह राशि की खासियत है वो सिंह राशि जैसा नाम है और सिंह राशि का देखिए जो स्वामी है लूड वो लॉर्ड वो सूर्य तो सूर्य भी स्टार्स में प्लैनेट्स में सब में राजा है तो सिंह राशि का स्वामी भी राजा हालांकि इस 2023 का राजा बुद्ध है और मंत्री जो है और केतु की मतलब वो है निम से केतु की सार है और बुद्ध और शुक्र बुद्ध राजा और शुक्र मंत्री हैं लेकिन वास्तव में तो राजा सूर्य है ग्रहों का राजा सूर्य है तो सिंह राशि भी सूर्य के समान सिंह के समान तेजस्वी और बलवान और सितारों में सूर्य के समान चमकवान इसका ये देखिए इसका ग्रह गोचर में जैसे बताऊं कि ग्रह गोचर में सिंह राशि लग्न में दूसरे भाव में बुद्ध की राशि कन्या राशि तीसरे भाव में देखिए केतु हैं तुला राशि में चौथे भाव खाली पांचवें भाव खाली छठे भाव खाली सातवें भाव में अभी माह के शुरुआत में कुंभ राशि में शनि तो बैठे रहेंगे लेकिन बुद्ध और सूर्य भी हैं अभी मार्च के शुरुआत पहली मार्च में जो कि देखिए वहाँ से सूर्य पंद्रह मार्च को आगे बढ़ जाएंगे कहाँ मीन राशि में अष्टम भाव में और अगले दिन सोलह मार्च को बुद्ध भी आ जाएंगे मीन राशि में अष्टम भाव में तो शनि फिर वहाँ अकेले रह जाएंगे अभी शनि अस्त हुए जो कि छः मार्च को शनि उदित हो जाएंगे तो शनि का प्रभाव खत्म हो गया था लेकिन अब छः मार्च से जब सूर्य का प्रभाव शनि से हट जाएगा तो शनि फिर उदित हो जाएंगे और फिर पूर्ण लाभ देंगे अपना सूर्य भी देंगे और शनि भी देंगे और बुद्ध तो देंगे देंगे बुद्ध आदित्य राज्यों को बना करके कहा सप्तम भाव में तो सप्तम भाव में तीन तीन ग्रह लग्न को भी देख रहे हैं तो लग्न को बलवान बनाएंगे शरीर को बलवान बनाएंगे शरीर को निरोगी बनाएंगे सुंदर काया बनाएंगे और सूर्य अपनी राशि को देख रहे हैं सूर्य सप्तम में बैठ करके अपनी राशि को देख रहे हैं तो जातक को शक्तिशाली बीमारियां नहीं रहेंगी और बहुत कर्मठ कर्मठ कार्यशील बनाएंगे और परिवार में भी सूर्य का असर रहेगा तो पति पत्नी के बीच में भी चमक एकदम यानी चमक मीन्स एकदम नवीनता और कोई मधुरता आपस में लेकिन केवल एक बात ध्यान रखना है कि बाणी को मधुर रखना है अगर वाणी खराब हो गई तो सब कुछ खराब हो जाएगा तो बाणी कोई क्यों बुद्ध भी यहाँ बैठे हुए हैं देखिए बुद्ध वाणी के स्वामी समझ लीजिए और बुद्ध जो है लग्न को देख रहे हैं और सूर्य और शनि भी हैं तो बाणी का बड़ी इम्पोर्टेंस है अपनी बाणी मधुर रखिए जिससे भी काम बनाना है मीठा बोलिए और मीठा बोल के ही काम चलाइए आपस में मीठा बोलिए तो बहुत अच्छा रहेगा और जहाँ वाणी में कर्कशता आई काम खराब हो जाएगा इसलिए ध्यान रखिएगा अच्छा अष्टम भाव में जैसे मैंने बताया कि गुरु और शुक्र शुक्र है मतलब बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र और पंद्रह सोलह में सूर्य और बुद्ध भी वहाँ आ जाएंगे लेकिन बारह मार्च को शुक्र आगे बढ़ जाएंगे कहाँ मेष राशि में राहु के पास जहाँ राहु बैठे हुए हैं मेष राशि में शुक्र आ जाएंगे बारह मार्च को तो देखिए मार्च के महीने में ये स्पेशल मैंने देखा है सिंह राशि के लिए एक दो राशि का मैं स्पेशल बताऊंगा अलग से एक मेष का भी और एक सिंह का भी और मकर का भी तो अभी तो मैं सिंह का बता रहा हूँ स्पेशल सिंह के मार्च के लिए कि गृह गोचर के हिसाब से बहुत बढ़िया ग्यारहवा मैंने कुंभ राशि जो सप्तम में है उसके बाद अष्टम में गुरु शुक्र और फिर शुक्र हट गए तो उसके बाद सूर्य बुद्ध और गुरु तीन ग्रह एक साथ रहेंगे अष्टम में सूर्य बुद्ध शुक्र पंद्रह मार्च पूरी इकतीस मार्च तक तो रहेंगे रहेंगे उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे और मीन राशि में राहु के साथ शुक्र आ जाएंगे बारह मार्च से और वहाँ से फिर नवम भाव है नवम भाव से ये भाग्य भाव है भाग्य बंधन करेंगे और तृतीय भाव को देखेंगे इधर अष्टम से तीन तीन ग्रह और दो, दो ग्रह और चार चार ग्रह द्वितीय भाव को धन भाव को देखेंगे यहाँ बुद्ध आ जाएंगे सोलह मार्च को और बुद्ध सोलह मार्च से अपनी कन्या राशि में अष्टम द्वितीय भाव में देखेंगे धन भाव में तो ये बहुत अच्छा है अष्टम भाव में भी ग्रह और द्वितीय दु, भाव को देखना और नवम भाव में ग्रह तृतीय को देखना और देखिए दसम भाव में अब तक बहुत लंबे टाइम से मंगल बैठे हुए थे मंगल भूमि पुत्र भूमि कारक कर्म क्षेत्र में बैठ कर के मंगल अपनी राशि को स्कॉर्पियो यानी अपने वृश्चिक राशि को चतुर्थ भाव में दिख रहे थे तो सारे सुख साधनों का प्रबंध कर रहे थे कोई सुख साधनों की कमी नहीं थी और दसम भाव में मंगल बैठे थे अब तेरह मार्च को मंगल चले गए कहाँ ग्यारहवें भाव में लाभ भाव में तो लाभ भाव में आने का मतलब क्या है कर्म के द्वारा लाभ अब तक मंगल कर्म करा रहे थे कर्म में थे तो कर्म के द्वारा लाभ प्राप्त होगा मंगल के तेरह मार्च को लाभ भाव में जाते ही जो काम करोगे उससे जो तो लाभ प्राप्त होगा वो यानी धन प्राप्त होगा सुख प्राप्त होगा विभिन्न सोर्सों से तो मंगल से मार से लाभ देंगे कर्मों का फल देंगे सफलता तो मिलनी ही है और देखिए शत्रु खत्म हो जाएंगे क्योंकि दसम ये छठे भाव में सातवें भाव में जो शनि का भाव है और शनि जो है स्लो काम करते हैं तो उसकी वजह से और सूर्य के अंदर आ गए शनि तो थोड़ा सा धीमा पड़ गए अस्त हो गए तो छठे भाव में और सातवें भाव में थोड़ा सा कमी आ गई क्या कमी आ गई रोग से ऋण से मुक्ति मिलेगी शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी शत्रु ख़त्म रोग खत्म जमीन ज्यादा से लाभ मुकदमा में विजय लेकिन वही मैंने जैसे बताया कि वाणी पर नियंत्रण होना जरूरी है गुरु और सूर्य की युति पंद्रह मार्च से गुरु और सूर्य देखिए पंद्रह मार्च से अष्टम भाव में गुरु और सूर्य आ गए तो गुरु के साथ सूर्य सूर्य तो प्लैनेट्स के राजा हैं और गुरु तो गुरु हैं बृहस्पति उनके सबके तो गुरु और सूर्य की युति पंद्रह मार्च से जबरदस्त लाभ देगी हालांकि अष्टम में है अष्टम से दृष्टि तो पड़ रही है द्वितीय धन भाव पर और उच्च के बैठे हैं कि बारहवीं मी, मीन राशि है गुरु की अपनी उच्च की राशि है तो उच्च की राशि में बैठ के जो है जबरदस्त राजयोग बन रहा है और बारह मार्च से शुक्र और राहु का साथ साथ भाग्य भाग्य भाग्यवर्धन जब भाग्य बढ़ेगा तो देखिए अब बृहस्पति भी हैं बृहस्पति की राशि नमी धनु राशि पंचम भाव में तो शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की मिलेगी बृहस्पति की वजह से संतान को उन्नति मिलेगी सिंह राशि वाले इस समय राजा बनेंगे राजा की तरह रहेंगे राजा नहीं बनेंगे तो भी अपने को राजा से कम नहीं समझेंगे और देखिए भाग्य भाव में राहु राहु भाग्य वर्धन कर रहा है बड़े बड़े यानी जो माइंड में ऊंची ऊंची बातें चलेंगी ऊंचाई से तो कम बात ही नहीं होगी हर चीज ऊंचाई की सोची जाएगी और शुक्र आ गए तो वहाँ पर शुक्र बैठ के कारक शुक्र हैं धन धान कारक शुक्र हैं सुख शुक कारक शुक्र हैं तो सिंह राशि वालों को इस समय बहुत ही लाभ मिलने वाला है हर बात को मधुर शब्दों में बोलेंगे तभी लाभ मिलेगा इसका याद रखिएगा मंगल से लाभ मिल रहा है राहु से शुक्र से लाभ मिल रहा है बृहस्पति और सूर्य से लाभ मिल रहा है सूर्य से बुद्ध से लाभ मिल रहा ला है ऐसा कौन सा ग्रह है जो नुकसान कर रहा है प्रारंभ में देखिए पंद्रह दिन सूर्य अपनी ही राशि को देखेंगे पंद्रह मार्च तक सप्ताह में बैठ कर लग्न देखेंगे तो लग्न बलवान रहेगी शरीर रहेगा बिल्कुल निरोगी काया सुंदर एक्टिव तो लाभ मिलेगा और पंद्रह मार्च के बाद फिर जो है सूर्य और बुद्ध फिर साथ साथ आ जाएंगे इस टाइम में तो वहाँ फिर बुद्ध आदित्य राजयोग बन जाएगा और बृहस्पति बैठे हुए यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं सब मतलब मित्रता वाले तो देखिए बुद्ध पूरी सहायता करेंगे बस वाणी को अच्छा रखिएगा पंद्रह के बाद भी बुद्ध का एर्थ में राजभंग हो रहा है क्योंकि मीन मीन राशि में गुरु बैठे हुए हैं उच्च का तो बुद्ध का राजभंग हो गया यहाँ पर नीचता खत्म हो गई तो बुद्ध यहाँ भी अष्टम में बैठे हैं लेकिन लाभ तो देंगे ही देंगे बुद्ध यानी बुद्ध का लाभ का मतलब धन भाव के स्वामी भी छठी राशि कन्या राशि है तो धन तो देंगे ही अब मार्च के महीने में धन का आगमन है आधे मार्च के बाद मतलब पंद्रह मार्च के बाद जब बुद्ध अष्टम में आ गए तब और उससे पहले भी जब से सप्तम भाव में थे सूर्य बुद्ध तब भी जो है तो अब और मंगल जब तेरह मार्च के बाद आ गए मिथुन राशि में यानी ग्यारहवें भाव में तो लाभ तो लाभ मार्च में आधे मार्च के बाद पंद्रह मार्च से इकतीस मार्च तक लाभ लाभ है पैसे पैसा मिलने वाला है जो कुछ आपने काम किया है जो कुछ कर्म किया है उस कर्म का फल तो अब मिलने ही मिला है लाभ मिलने वाला है तो देखिए बुद्ध की वजह से कुछ थोड़ी बहुत मौसमी बीमारियां लग सकती हैं जैसे गले में वाणी के लॉर्ड हैं तो गले में कोई बीमारी थी गले में वो बीमारी दोबारा पनप सकती है आवाज में गड़बड़ी हो सकती है गले में कुछ मौसमी बीमारी आ सकती है खांसी जुकाम से या गले में कुछ और बीमारी हो जाए तो उसका ध्यान रखिएगा सावधानी रखिएगा खाने पीने का बाहर का खाना तेल का चिकना खाना कम खाइए तो गला साफ रहेगा गले में चिकनाई जम जाएगी तो फिर खांसी और ज़ुकाम वगैरह हो सकता है और ब्याियाँ पैदा पैदा हो सकती हैं तो उसका ख्याल रखना पड़ेगा और देखिए माता का स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखिएगा सावधानी बरतनी पड़ेगी दाम्पत्य जीवन में भी देखिए थोड़ा कहें सुन तो होगी सूर्य भी है तो सूर्य की तीव्र तीख तीक्षणता आएगी और शनि भी बैठे हुए हैं भाई तो थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा सा बोलने चालने में ख्याल रखिएगा लेकिन 12 मार्च के बाद तो शुक्र की वजह से सुख सुविधाएं सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी राहु और राहु भाग्य भाव में शुक्र भाग्य भाव में भाग्य बढ़ाएंगे और देखिए विदेश से लाभ विदेश भूमि से लाभ विदेश में कार्य से लाभ विदेश में व्यापार से लाभ विदेश में नौकरी से लाभ विदेश जाना हो सकता है तो काफ़ी लोगों का जिनका काम विदेश से है तो बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलेगा तो ये मैं बता रहा हूँ कि ये वैसे तो 2023 कुछ राशियों के लिए विशेष है जिनमें सिंह राशि भी है और अभी तक मैं जो समझ रहा हूँ सिंह राशि का मार्च महीना विशेष है आगे चल के अप्रैल में भी जब बृहस्पति 22 अप्रैल को अपना स्थान चेंज करेंगे तब फिर राहु के पास बृहस्पति आ जाएंगे तब फिर भाग्य बढ़ेगा भाग्य में राहु और बृहस्पति आ जाएंगे तो फिर आगे मैं फिर बताऊंगा अभी तो मैं यहाँ विराम ले रहा हूँ मित्रों नमस्कार